أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे बच्चों, आज चूंकि शादियों का दौर दौरा है, इन शादियों के दौर दौरे के बारे में यानी इन शादियों में एक बच्चे को स्कूल में क्या करना होता है, क्या करना पड़ता है जब वो स्कूल में इनरोल होता है। सपोज मसलन अगर इसको अपने भाई या बहन की शादी हो तो इसको स्कूल से किस तरह छुट्टी लेनी पड़ती है। चलो आज हमने यानी मैंने यही मौजू चुन लिया है कि एक बच्चे को अगर एक बच्चे की अगर बहन की शादी हो तो वो अपने सदर मुद्रस यानी हेडमास्टर साहब से किस तरह एक दरख्वास्त लिखेगा, वो दरख्वास्त में क्या कुछ लिखेगा जिससे उसको छुट्टी मिल जाए यानी वो अपने घर वालों की माँ बाप की के काम में हाथ बटाएगा, उसी बारे में आज थोड़ा हम जानकारी हासिल करेंगे। हाँ, दरख्वास्त इस तरह है, अपने हेडमास्टर साहब या अपने प्रिंसिपल साहब को बहन की शादी पर 7 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। पहले हमें ये लिखना होता है, देखो हर एक चिट्ठी में हर एक खत में 3 इसमें इसमें मतलब हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होता है, यानी इसके 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा जो है हेड है, यानी इसमें ये लिखना होता है कि ये खत जो हम लिखते हैं, ये चिट्ठी जो हम लिखते हैं, ये किसके नाम लिखते हैं। मसलन हमारे स्कूल का नाम गर्ल्स हाई स्कूल गुलगाम है, पहले हम अपने हेडमास्टर साहब जो है सदर मुद्रस है, हेडमास्टर साहब है, इसी के नाम हम ये खत लिखेंगे, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुलगाम, जनाब अली गुजारिश। इसके बाद बॉडी आएगी, खत की बॉडी आएगी, गुजारिश खत में ये है कि 5 सितंबर को, 5 सितंबर आज तो पहला सितंबर है, 5 सितंबर को मेरी बहन की शादी मुकर्र हुई है, घर में पिताजी का हाथ बटाने वाला कोई नहीं है, ढेर सारे काम करने को पड़े हैं, बड़े भाई साहब फौज में हैं, ये इसका रीज़न है। हाँ, आप जानते ही हैं कि फौज में आज छुट्टी मिलना मुश्किल है, शादी भी लड़की की है, इसलिए काम ज़्यादा ही हैं और ज़रूरी भी, लिहाजा आप साहब से दरख्वास्त है यानी हरमा साहब से कि साहिल के हक में 7 दिन की छुट्टी मंजूर फरमा कर मशहूर फरमाए, बड़ी मेहरबानी होगी। अर्ज नियाज यानी बच्चे का नाम सपोज रिफत आरिफा राबिया जमात किस क्लास की होगी, 8वें 9वें या 10वें में सपोज जिस क्लास की होगी वो क्लास भी लिखना पड़ता है और रोल नंबर भी लिखना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये है इसी तरीके से शादी के बारे में अगर मतलब दरख्वास्त लिखना हो तो इसी तरह होता है सपोज। और दूसरा ये है कि आज प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप का थोड़ा दौर दौरा है, आज बच्चों के लिए स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, ये इतला दी है कि वजीफे के बारे में यानी स्कॉलरशिप प्रीमैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है जो बच्चे 50% मार्क्स से ज़ायद जिन्होंने इम्तहान में ले लिए हैं जितने मार्क्स, उन्हीं के बारे में इंशाल्लाह हम कल इंशाल्लाह हम कल उस बारे में एक दरख्वास्त लिखना सीखेंगे कि किस तरह ये दरख्वास्त लिखते हैं, और इंशाल्लाह हम कल इस पर रोशनी डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का खत, आज का सबक जो हमने पढ़ लिया है,
वो आपको समझ आया होगा और आप इस खत को अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छी तरीके से साफ साफ लिखकर अच्छी तरीके से याद करें, हो सकता है इम्तिहान में भी ये आएगा। अल्लाह हाफिज़।